नमस्ते फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी। सांझी रसोई कुकिंग कोर्स च तुहाडा स्वागत है जी। अज आप लगे हाँ आलू ते उबाले हुए चावलों के कटहल बनाए, सो तुहानू दिखाने हैं। ये अपने आलू उबाले ने, हुण इन्हां मैं कद्दूकस करूंगी। फ्रेंड्स, अपने चावल ले ले उबाले हुए, तो ये आलू कर ले कद्दूकस कर ले, तो ये मिर्च कट ली हरी। तुसी मतलब जिन्नी पा सकते हो तुसी अपने, अगर तुसी बनाने तो अपने स्वाद अनुसार पा लियो, बाकी असी तो थोड़ी घट्टे खाते हैं, असी तो इस हिसाब से ही पाई। मैश कर देना आलूआं नूं, ना इदां मैश कर लवो। आलूआं नूं चावलां दे विच हुण मिक्स कर लवो। नमक, मिर्च ते सुक्की मेथी मसाला पा सकते हैं जी, तुसी अपने मतलब तुसी अपने हिसाब से पा सकते हो, असीं तां थोड़ा घट्टे खाने हैं जी। मसाले विच असी मिक्स कर लई, थोड़ी जी सुक्की मेथी भी पाई है जी। तेल कढ़ाई दे विच रखता, गर्म हो गया, बस हुण ऐदा कटहल तैयार कर लवो जी। भावें थोड़ी टिक्की टाइप भी तैयार कर लो, पर वो अपनी इच्छा है, तुहानू जिदा सही लगे तुसी उदा कर लो। असी तो विचो टिक्कियां जिहा बना लैने, तो विचे थोड़े लंबे लंबे कटहल बना लैने। शाम दे 5 बज चुके ने जी, वास्ते आलू ते चावलों के कटहल हम थोड़ी देर में बस तैयार हो जाएंगे, फिर तुम सारे जने बैठ के खाए, क्योंकि तो तेल गर्म है थोड़ा भरन हो जाए। सो फ्रेंड्स, आ देखो हल्के हल्के मैं ते दीदी असीं दोनों ही बना रहे हैं। दीदी मैनु कटहल तैयार करके दे रहे ने, ते मैं कढ़ाई विचों कढ़ के उधर रख रही हाँ, हजे तकरीबन पाए हुए ही ने, इन्हां थोड़ा जिहा टाइम लगता है। आलू फ्रेंड्स, थोड़े कटहल हल्के ब्राउन होने लग गए, थोड़े गोल्डन जे है।
कटहल तैयार हो गए। ये हैगी है मिठी चटनी, ते ये हैगी है पुदीने की धनिया, ते हरी मिर्च टमाटर, ते विच स्वाद अनुसार नमक पा लिया असी। ये तैयार हो गई जी कटहल, हुण असी सारे नूं सर्व करदे हां जी। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो तुहानूं किद्दां लगी मैनू शेयर करके ते कमेंट करके जरूर दस्यो, ते लाइक का बटन जरूर दवायो जी, ते सबसक्राइब जरूर करियो। तो अज असी अलविदा ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।